मैं दयानंद सिंह संसी आसाराम जी बापू से 23 साल हो गए जुड़े हुए हमें, और मैं अच्छे से जानता हूँ पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू बिल्कुल निर्दोष हैं, और सरकार भी जानती है, और सरकार की मिली भगत से और चंद हमारे आश्रम के कुछ लोग मिलकर और ये षड्यंत्र रचे हैं और बापू जी को 11 साल से प्रताड़ित कर रहे हैं। यहाँ तक कि मानवाधिकार भी बिल्कुल चुप है, सोया हुआ है, और इतने दिनों से बापू जी को एक एम्बुलेंस तक की इन्होंने व्यवस्था नहीं की। केवल यदि ये कहें कि सरकार ही है, सरकार अकेले कर रहे, तो सरकार भी अकेले नहीं कर सकती बापू जी को इतना प्रताड़ित, क्योंकि शासन है और प्रशासन है। शासन ऊपर से है, उसके नीचे प्रशासन है। प्रशासन वही करेगा जो शासन शासक बोलेगा, और शासक जो है बापू जी को प्रताड़ित कर रहा है। और इसमें मिले हुए हैं हमारे आश्रम के लोग, चंद सारे लोग नहीं मिले हुए हैं, कुछ मुट्ठी भर लोग हैं, वही लोग जो हैं मिल करके और बापू जी को ये प्रताड़ित कर रहे हैं, और अभी भी लोगों को गुमराह भी कर रहे हैं, साधकों को। एक तरफ तो बोलते हैं कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं, सरकार नहीं आने दे रही है, न्यायालय में दोष है, न्यायालय नहीं दे रहा है बापू जी को जमानत, तो हम क्या कर सकते हैं। अरे तुमने 50 बार पेपर लगाए, 50 बार फर्जी पेपर लगाए, जब भी पेपर लगाते हो गलती लगाते हो, एक बार गलती हो सकती है आदमी से, दो बार गलती हो सकती है, लेकिन गलती नहीं हो रही है, ये तो सुनियोजित षड्यंत्र है। जानबूझकर आप इस तरह से कर रहे हैं, और इसमें सरकार सहयोग दे रही है, क्योंकि अकेले अर्जुन जो है, अर्जुन उर्फ पंकज मीरचंदानी उसका नाम है, असली नाम जो है गुजराती, तो वो इस षड्यंत्र को, षड्यंत्र का मुखिया है, लीगल पैनल अपना बना रखा है कि बापूजी ने हमको आज्ञा दी है। बापूजी ने ऐसा कोई आज्ञा नहीं दी है कि आप लीगल पैनल बनाइए, और ये बापूजी की आज्ञा के नाम पे जितने भी साधक हैं सबको गुमराह करता है, और गलत, हमेशा गलत रिपोर्ट देता है। जब कोरोना काल आया था 2021 की बात है, उस समय तो हम गए हुए थे वहाँ पे हाई कोर्ट में जोधपुर में, तो वहाँ पे जब सुनवाई थी, सुनवाई के बाद जब ये बाहर आया, तो बाहर जो लोग बैठे हुए थे इंतजार कर रहे थे बापूजी के, साधक भक्त, पूछे कि क्या हुआ, तो इसने ऐसा बोला कि जज मर गया है, इसलिए जो है आज कोई बहस नहीं हुई, डेट आगे की मिल गई है। जबकि सच्चाई ये थी कि हम लोग कोर्ट में गए थे, और वहाँ पे जज ने इनसे पूछा, तो ये बोले कि जो है कोरोना के चलते जो है हमारे जो सीनियर एडवोकेट हैं उनको महाराष्ट्र से आना था, और वो आ नहीं पाए। तो जज जो है झल्ला के और बोला इनको कि एक तरफ तो आप बोलते हो कि बापूजी बहुत सीरियस हैं, और एक हफ्ते पहले आपको बताया गया था, तो एक हफ्ते में तो आप प्लेन से भी आ सकते थे, या उनकी जगह पे कोई दूसरा सीनियर एडवोकेट भी खड़ा कर सकते थे बहस करने के लिए, तो आप बोलते हो कि एडवोकेट हमारे नहीं आए, और दूसरी तरफ बोलते हो कि बापूजी सीरियस हैं। तो जज ने गुस्से में इनको 2 महीने बाद की डेट दी कि तुम्हें कोई सीरियसनेस नहीं है, ये सीरियसनेस तुम दिखा रहे हो, और बाहर आके बता रहा है कि जज मर गया, ऐसा हो गया, और हमें जो है डेट आगे की मिल गई। तो ये तो हमारी आंखों देखी बात है, इस तरह से ये 10 साल से कितने कितने झूठ बोलता रहा और लोगों को गुमराह करता रहा। ये नहीं चाहते कि बापू जी बाहर आए, ऐसा नहीं है कि ये मतलब केस में ये गलती कर रहे हैं, गलती नहीं कर रहे हैं, ये अपने लक्ष्य को, अपने उद्देश्य को अच्छी तरह से प्राप्त कर रहे हैं। ये बिल्कुल सफल नेतृत्व कर रहा है अर्जुन जो है, सफल आदमी है। सफलता यदि सीखनी है तो इसे सीखिए कि कैसे साधकों को अलग किया, साधकों को इकट्ठा नहीं होने दिया, और साधकों को कैसे गुमराह करता रहा, और केस में कुछ होता रहा और आके बाहर कुछ और बताता रहा, और बोलता रहा कि हाँ सब कुछ ठीक चल रहा है, बापूजी बाहर आ रहे हैं। इसी तरह से जितने भी वकील आए, एक से एक बढ़ के वकील आए, सुब्रमण्यम स्वामी आए, राम जेठमलानी आए, उनको सबको इन्होंने काम नहीं करने दिया। सुब्रमण्यम स्वामी जब आए थे तो इनको वकालतनामा जब दिया गया था बापूजी के जमानत के लिए, ये जाके अलग से एक वकालतनामा बापूजी से साइन करवा के लेके आ गए, और उसमें जो है इन्होंने उनके विरुद्ध में बहस शुरू कर दिया। तो फिर कहाँ से बापूजी को न्याय मिलेगा? स्वामी जी तो यहाँ तक बोले कि आपके आश्रम वाले ही नहीं चाहते तो हम क्या कर सकते हैं, एक तरफ तो सरकार भी नहीं चाहती, और दूसरे आपके आश्रम वाले भी ऐसे नहीं है कि वो ये करें। बाकी हमारी सरकार तो ऐसी है कि अब इनको पूछो नहीं, केवल जुमलेबाजी करनी है इनको, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, हर जगह झूठ बोल रहे हैं, कहाँ तक इनका झूठ चलेगा, एक से बढ़ के एक झूठ बोल रहे हैं। और
हम तो यही कहेंगे कि साहब तेरी साहबी अब बहुत हो गई मन की बात, अब देख लो तू बंदे कोई बंदगी, फिर पता चल जाएगी तुम्हारी औकात। इन्होंने इतना झूठ बोला हर जगह जाके, और अभी भी झूठ बोलते हैं। अभी चाइना देखिए 4000 किलोमीटर जो है इंडिया में घुस गया अंदर, लेकिन ये जो है मीडिया को मैनेज करते हैं, मीडिया को इस तरह से मैनेज किए हैं कि सच्चाई सामने नहीं आने दे रहे हैं। दो तीन केवल चैनल बचे हुए हैं, जैसे एक तो ये संदीप देव जी का है इंडिया स्पीक्स डेली, एक जेएम न्यूज है और एक विशाल सिंह है, ऐसे दो तीन चैनल हैं जो सच्चाई बाहर ला रहे हैं, नहीं बाकी सबको इन्होंने कैप्चर कर रखा है मीडिया को, और जो चाहते हैं वही बुलवाते हैं, होता कुछ और है लेकिन अपने पक्ष में ही बुलवाते हैं कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। शुरू से लोगों को आश्वासन दिए कि इतने हज़ार रुपये आपके अकाउंट में आ जाएंगे, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और ये तो जोधपुर केस की मैं बात बता रहा हूँ, दूसरा केस जो है एक गुजरात में है, गुजरात में इन्होंने ऐसा किया कि जब नारायण साईं जी उनके सुपुत्र थे, तो ये देखे कि हिंदुत्ववादी पार्टी है भाजपा, तो हिंदुत्ववादी पार्टी होने के बाद भी ये हिंदुत्व का तो कोई कार्य कर नहीं रही है, न ही हिंदू संतों को बचा रही है, बल्कि उल्टा प्रताड़ित कर रही है। तो उन्होंने अपना एक पार्टी बनाया था, उसका ऐलान कर दिया जंतर मंतर पे, ओजस्वी पार्टी का। बस उसके तीसरे दिन ही उनके गुजरात जाते ही उनके ऊपर जो है 12 साल पुराना केस लगा दिया कि 12 साल पहले दो लड़कियों को खड़ा करके कि इन्होंने ऐसा ऐसा इस लड़की के साथ में गलत किया था, जिसका ना तो कोई प्रूफ है, ना कोई एविडेंस है, ना कोई सच्चाई है, और कुछ प्रूफ ढूंढो तो मिलेगा भी नहीं 12 साल पहले क्या हुआ था। और इसके बाद इन्होंने नारायण साईं जी को बाहर तक नहीं आने दिया, इनके पूर्व गृह मंत्री जो थे प्रदीप सिंह जडेजा, उन्होंने बोला कि हमारी राजकीय प्रबल इच्छा शक्ति के कारण ये आसाराम जी बापू और उनके सुपुत्र श्री नारायण साईं बाहर नहीं आ रहे हैं, ऐसा इनका वक्तव्य है, इस तरह से इन्होंने भाषण दिया। और दूसरा, लड़की जो है अपना बयान बदलना चाहती थी, तब भी इन्होंने लड़की का बयान बदलने नहीं दिया है, लड़की को कोर्ट में बयान बदलने से मना कर दिया। और जब हाई कोर्ट से नारायण साईं जी को जमानत मिली थी तो फर्लो मिला था, इसके बाद जो है उसको इन्होंने जाके सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया, और सरकारी वकील नहीं अपना व्यक्तिगत जो है प्राइवेट वकील खड़ा करके और उसको चैलेंज करके और उसको निरस्त करा दिया, मतलब इनको फर्लो भी नहीं देना है, पेरोल भी नहीं देना है, जमानत भी नहीं देना है, और ऊपर से तानाशाही करके और विधानसभा में इस तरह से वक्तव्य देते हैं कि हमारी राज्य की प्रबल इच्छा शक्ति के कारण ये दोनों लोग नहीं आ रहे हैं। तो इस तरह से ये लोग हिंदुत्ववादी क्या कर रहे हैं, हिंदुत्व के नाम पे ये लोग काले धब्बे हैं। और सूरत में देखिए, सूरत में सारे व्यापारी इनसे नाराज हैं, कोई इनसे खुश नहीं है, और सूरत में ये हार रहे हैं। इन्होंने क्या किया, वहाँ भी एक ड्रामा रचा और कांग्रेसी नेता को इन्होंने खड़ा किया, भाजपा ने ही खड़ा किया कांग्रेसी बना के, और वहाँ पे भी उसको फिर जो है उसका पत्ता वहाँ से भी साफ हो गया कांग्रेसी नेता का, और ये जान रहे हैं कि हम हारेंगे, और वहाँ से हारेंगे ही, वहाँ भी इनको कोई वोट मिलने वाला नहीं है, क्योंकि रेत की दीवारों पे कब तक ये दीवार खड़ा कर सकते हैं, सच्ची दीवार खड़ी नहीं हो सकती, वो टूटेगी ही। तो वो ऐसे झूठ पे झूठ केवल परोसते जा रहे हैं, जनता में झूठ इतना फैला दिए हैं, जनता भी समझ रही है, और हमारे साधक कुछ तो समझ रहे हैं और कुछ जो है अंधभक्ति में लगे हुए हैं। जैसे हमारे ऐसे भी साधक हैं जिन्होंने गुरुद्रोह का काम किया, जैसे जनकपुरी का एक अजय रंजन मिश्रा है, बापूजी उसकी प्रशंसा करते हुए नहीं थकते थे, संत श्री आसाराम जी बापू हमेशा अपने सत्संग में बोलते थे कि ये पढ़ाई में बहुत कमज़ोर था, ऐसा था, और ये सारस्वत मंत्र लिया, दीक्षा लिया, और तब से ये पढ़ाई में बहुत आगे बढ़ गया, और इसने किताबें लिखी, इसकी किताबें 4-4, 5-5 हज़ार रुपये में बिकती है। और इसके बावजूद वो अजय मिश्रा जो है गुरुद्रोही, वो गुरु से नहीं निभा रहा है, वो जो है भाजपा का एजेंट बन गया है, और जानता है कि भाजपा बापूजी को प्रताड़ित कर रही है, फिर भी भाजपा का प्रचार कर रहा है। और इन लोगों ने बापूजी को जोधपुर में जब माधवाबाग जब लेके जाना था इनको इलाज के लिए, आयुर्वेदिक इलाज के लिए, जज ने तो उस समय बोल दिया था ठीक है आप पुलिस कस्टडी में ले जाइए और उसका खर्चा आपको उठाना है, तो इन लोगों ने वहाँ पे मना कर दिया, नहीं ले गए।
जज ने 3 दिन का टाइम भी दिया, फिर भी ये लोग खर्चा उठाने से मना कर दिए और बोले कि बापूजी को ऐसे बोले कि बापूजी बहुत वहाँ करोड़ों का खर्चा है, ये है वो है, जबकि मात्र 20-30 लाख रुपए का खर्चा था। बोले कि हमारे पास में पैसे नहीं है। और यहाँ पे इंदिरा गांधी स्टेडियम में इन्होंने सम्मेलन करने को ठाने और वहाँ पे जो है एसी वाला जो है हॉल बुक किया, वहाँ पे करोड़ों रुपए खर्चा करने के लिए इनके पास पैसे बहुत हैं, बहुत धन है, लेकिन बापू जी को इलाज कराने के लिए इनको 1 रुपये नहीं है। जबकि और भी साधक जो हैं हमारे दिल्ली के और भी मुंबई के भी कई लोग तैयार थे कि खर्चा हम वहन करने को तैयार हैं, हम चेक दे रहे हैं, ब्लैंक चेक देने के लिए तैयार हैं कि जो भी खर्चा लगेगा इससे बापूजी का इलाज होगा या पुलिस कस्टडी का खर्चा उठाया जाएगा। लेकिन इन लोगों ने ऐसा कुछ भी नहीं किया, क्योंकि इनको तो करना नहीं है ना। और झूठे जो है एक जो है आरोग्यम जो है अरुण त्यागी नाम का एक झोला छाप डॉक्टर है, उसका एक हॉस्पिटल है, और जो हमारा सबसे गद्दार मुखिया है अर्जुन पंकज बीरचंदानी, उसका ये खास दोस्त है। इन लोगों ने प्लान बना के और वहाँ से डॉक्टर से लिखवा के लेके आए कि डॉक्टर यहीं पे आके इनका इलाज करेंगे। इलाज कहाँ करेंगे? तो आरोग्यम में कौन सी फैसिलिटी उपलब्ध है? बापूजी को कोई भी कभी कुछ सीरियसनेस होती है तो वहाँ क्या करेंगे? ये इनको लेके भागना पड़ेगा एम्स। और ये चाहते थे कि बाईपास सर्जरी करवा दें बापूजी का, और इसी में जो है इनको जो है बापूजी को चाहते हैं कि किसी तरह से बापूजी को मारना चाहते हैं। कोरोना काल में इन्होंने 6-7 रेमडेसिविर ठुकवा दिया बापूजी को, और बोले कि बापूजी ने खुद बोला कि हमको जो है ये 6-7 रेमडेसिविर ठुकवा दिए बापूजी को, इंटरनल ब्लीडिंग होने लगी, थिनर चढ़वा दिया जिससे रक्त जो है रुक नहीं रहा था, अंदर से रक्त स्राव हो रहा था और बापूजी का होमोग्लोबिन 3.7 तक पहुँच गया था। ऐसे ऐसे काम इन्होंने किए हैं और सरकार के साथ में मिलके किया है। सरकार और ये दोनों मिलके काम कर रहे हैं, अकेले कोई नहीं कर सकता। कांग्रेस ने तो ठीक है अंदर किया, क्योंकि बापूजी जो है धर्मांतरण का विरोध करते थे और ये रोड़ा नहीं थे, बहुत बड़े पहाड़ बन के खड़े हुए थे, लाखों ये लोग धर्मांतरण किए। और बापूजी ने वहाँ जाके आदिवासी क्षेत्रों में मंत्र पढ़ करके और उनको समझा के और अपने धर्म में वापस ले आए। इस वजह से ईसाई मिशनरी बौखलाई हुई थी और इन लोगों ने बापूजी को कहा कि कैसे भी इनको अंदर करना है, जब तक कि बाहर रहेंगे हमारा कुछ भी चलने वाला नहीं है धर्मांतरण। तो इन लोगों ने पॉक्सो एक्ट बनाया, जो भी बना के, और उसी के तहत बापूजी को अंदर किया। लेकिन बापूजी को अंदर करने के लिए गिरफ्तारी के लिए वहाँ पे इंदौर में जो है मध्य प्रदेश जो भाजपा का राज्य था, भाजपा के मुख्यमंत्री थे, वहाँ से 1400 पुलिस आई इंदौर आश्रम में और वहाँ से गिरफ्तारी हुई। यदि कांग्रेस करना चाहती थी, भाजपा इन पक्ष में थी, तो भाजपा के मुख्यमंत्री वहाँ से 1400 पुलिस को क्यों भेजे इंदौर में? इससे ये साबित होता है कि ये सरकार कांग्रेस का कंधे पे बंदूक रख के और फायर कर रही है कि हम जो है हिंदुत्ववादी हैं और कांग्रेस ऐसे कर रही है। तो कांग्रेस तो ऐसे, कांग्रेस ठीक है, कांग्रेस ने अंदर किया, लेकिन आपने 10 साल से आप हैं, आपने 10 साल से क्या राहत दिया? कुछ भी राहत नहीं दिया। हिंदुओं के लिए क्या काम किया? कुछ नहीं किया, केवल झूठ पे झूठ जुमलेबाजी करते रहे। जुमलेबाजी करने से हो जाएगा? अरे निर्दोष संत के आह से डरो। कहते हैं कि निर्दोष संत की आह जब निकलेगी तो उसके कोप से जो है प्रकृति तुम्हें नहीं बचा पाएगी। अब तुमको भुगतना पड़ेगा जो किए हो। अब देख लो आगे आगे होता है क्या। कांग्रेस ने किया, कांग्रेस का पत्ता साफ हो गया और अब जो है तुम्हारा है तो तुम भी जाने वाले हो, इससे कोई रोक नहीं सकता है। बहुत देख लिए, क्योंकि संत सताए तीनों जाए, तेज बल और वंश, ऐसे ऐसे बहुत देखे रावण कौरव और कंस। तो अपना अब खैर मनाओ, अभी भी तुम्हें अब सद्बुद्धि आने वाली नहीं है, क्योंकि विनाश काले विपरीत बुद्धि। बौखलाहट में कुछ का कुछ अब जो है बयान दे रहे हो, यहाँ वहाँ जुमलेबाजी कर रहे हो, ये जुमलेबाजी कोई काम आने वाली नहीं है और तुम्हारा अंत निकट है और बहुत जल्दी तुम्हें जो है जाओगे, विदाई होनी है। तुम्हारी विदाई होगी, फिर बापूजी की रिहाई होगी।